आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कार्डन का सब वूफर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HKTS220SUB/230। ये डेड पीस है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इसको हमने पूरी तरीके से खोला है और इसको पहले किसी ने बनाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। इस पावर सप्लाई में हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है ये कि फर्स्ट जो छोटा सप्लाई आता है, यहाँ पर लिखा है 7 वोल्ट प्लस माइनस, और उसके बाद है PS ऑन। ये ऑन जो है हाई वोल्टेज के लिए रहता है। सबसे पहले हम जो इसका 7 वोल्ट है उस पर ध्यान देंगे। -3.28 और -3.8, इसके ऊपर लिखा है 7 वोल्ट, लेकिन आ रहा है कम आ रहा है। तो इसके जो ये दो कैपेसिटर है वो हल्के फूले हुए जैसे दिख रहे हैं। इसको हम चेंज करेंगे। पावर सप्लाई के कैपेसिटर तो हमने चेंज कर दिए हैं, पर सप्लाई अभी भी उतनी ही है जितनी होनी चाहिए। 3.3 प्लस और माइनस में 4 वोल्ट है। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट सेक्शन की। इनपुट सेलेक्टर आउटपुट सेक्शन का ये पीसीबी है। यहाँ पर एक B13 आप देख रहे हैं, B13 ये एक क्वाइल है और ये पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। इसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे और साथ ही साथ इस कैपेसिटर को भी। और B13 डायग्राम पे भी देखें तो यहाँ पर है B13, ये एक तरह का क्वाइल है, 3.3 वोल्ट आती है। इसका ये ड्राइवर पीसीबी हमने निकाला है। ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को ड्राइव करने का काम करता है और यहाँ पर कुछ गम लगे हुए थे जिसको हमने साफ़ किया है। कुछ छोटे छोटे पार्ट्स भी चेक कर लेते हैं। इसके ड्राइवर पीसीबी में कोई दिक्कत नहीं दिखी, चेक किया मैंने सभी पार्ट्स। इसका हमने ड्राइवर ट्रांसफार्मर निकाल रखा है। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर में चार पिन है, दो दो की एक एक जोड़ी है। इसमें से दो कंटिन्यूटी दिखा रही है, दो नहीं दिखा रही है, इसमें कुछ दिक्कत है। ओपन है ये ट्रांसफार्मर, इसको हम देखते हैं अभी क्या करना है, कैसे करना है। डायग्राम के हिसाब से समझना चाहेंगे तो ये वो ट्रांसफार्मर है DT1, आप इसमें देख सकते हैं DT1 लिखा हुआ है। इसमें एक वाइंडिंग दिखा रही है, एक वाइंडिंग नहीं दिखा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपना ये जो हरमन कार्डन का सबवूफर है वर्किंग गुड हो गया है, और इसकी जो हाई वोल्टेज सप्लाई मिसिंग हो रही थी वो आ चुकी है। और भी कुछ महत्वपूर्ण सप्लाइयों की बात करते हैं तो अपना ये एक नंबर, ये 3.279 ही है, और जो तीन नंबर है
-3.96, और ये चार नंबर जो है 3.22, ये जो है अपना पावर ऑन के लिए है, और ये अपना ड्राइवर, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सप्लाइयों में से जो है ये अपना तीन डायोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीन डायोडों की सप्लाई पर आप ध्यान दीजिए। ये अपना 3.28 -4.5 17.66, और ये जो ड्राइवर पीसीबी है, ड्राइवर पीसी में से एक दो एमटी है, और ये पिन नंबर आठ पे 14.63 ये आना चाहिए। ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा 19-20 का डिफरेंट है दोनों के बीच में। अक्रॉस चेक करेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा, क्योंकि ये ड्राइव करने के लिए हाई वोल्टेज को, तो जितना इस पे लोड पड़ेगा उस हिसाब से ये वेरिएट होते रहता है। बाकी अभी हम थोड़ा म्यूजिक का आनंद लेंगे इसमें। अभी इसमें बहुत सारी सेटिंग है, अभी जिन हमारे प्रिय मित्र का है उन्होंने अपने हिसाब से रखा होगा, उसको हम छेड़ते नहीं हैं। बाकी ये परफेक्ट वर्किंग गुड हो गया है, ये हमने अलग से इसमें एलईडी लगाई है। पूरी तरीके से फिट कर दिया है हमने इसके एसएमपीएस पावर सप्लाई को। इसमें एक चीज़ जो समझ लेने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कनेक्टर के ऊपर लिखा है +7 वोल्ट -7 वोल्ट, क्यों लिखा है पता नहीं है, आ तो रहा है 3.3 और माइनस में है 4 वोल्ट लगभग। क्या प्रिंटिंग में मिस्टेक है कि क्या पता नहीं, 7 वोल्ट तो नहीं आ रहा है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण काम जो हमने इसमें किए, इसके अंदर जो हमने किया था वो कैपेसिटर चेंज किया था, आप तो देख सकते हैं। और कैपेसिटर लीक होने की वजह से जो कॉइल है जहाँ पर लिखा है B13, वो B13 थोड़ा गंदा दिख रहा था कैपेसिटर लीकेज होने की वजह से, तो हमने उसको चेंज किया है, क्लीन किया है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे कैपेसिटर था ये भी थोड़ा लीकी था, इसको भी हमने चेंज किया है। इतने काम किए हैं इसमें। और ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है ये एक साइड ओपन था, इसको खोल करके हमने एक जगह पे जॉइंट ओपन मिला उसको हमने रिसोल्डर किया है सक्सेसफुली। ये है वो अपना ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो कि वन साइडेड ओपन था, अगर इसको ये साइड का ओपन था एक,
बाकी इसके डायग्राम पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है -7 वोल्ट, 7 वोल्ट, लेकिन ये इतना है नहीं। और ये जो तीसरा डायोड जो हमने दिखाया था 15 वोल्ट लिखा है,